नमस्कार दोस्तों, यूपी वाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन, जो कि बॉलीवुड के एक टैलेंटेड स्टार हैं। उनकी जो हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था, क्या टाइटल था रे वो याद आएगी, फाइटर। दोस्तों फाइटर जो मूवी थी ऋतिक रोशन की, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे 2024 आई मीन साल के शुरुआत में रिलीज किया गया था थिएटर में। एंड फिल्म में हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई दिखाई गई थी। एंड जो अपने एक्ट्रेस ऋतिक रोशन ने काफी दमदार धुआंधार फाइट की थी, जो कि दर्शकों को काफी पसंद भी आई थी, जिसके चलते दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। फिर इसके बाद से दोस्तों ऋतिक रोशन की वॉर 2 भी चर्चाओं में आएगी, जो कि वॉर का सीक्वल है, कि हमें आने वाले साल में देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इस मूवी के अलावा ऋतिक रोशन की एक और फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल के आया, जो कि क्रिस फ्रेंचाइज को लेकर है। बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों इस फ्रेंचाइज की शुरुआत होती है साल 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया से, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और उनके साथ एक जादू था। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और उसके बाद दोस्तों इसका सीक्वल आया क्रिस के नाम से, जो कि लगभग 2006 के आसपास रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक अलग ही अंदाज में देखने के लिए मिले, जिसमें वो एक सुपरमैन की भूमिका में नजर आए। एंड दोस्तों फिल्म में ऋतिक रोशन के इस गेटअप को देखने के बाद फैंस चौंक गए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा किसी एक्टर ने नहीं किया जो कि ऋतिक रोशन कर दिखाया। जिसके चलते दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुआ और दोस्तों ऋतिक रोशन को एक और पहचान मिली क्रिश के नाम से। एंड इसके बाद से ऋतिक रोशन के फैंस ऋतिक को सुपर हीरो के नाम से जानने लगे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। एंड इसके सेकंड पार्ट की भारी सफलता देखते हुए दोस्तों मेकर्स ने इसके थर्ड पार्ट को भी रिलीज कर दिया, जो कि साल 2013 में रिलीज किया गया था। बात तो सही है। एंड दोस्तों फिल्म के थर्ड पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधाड़ कमाई की, जिसके चलते मेकर्स ने इसके 14 पार्ट की भी घोषणा कर डाली। और अब लगभग दोस्तों 11 साल के बाद मेकर्स ने इसके चौथे पार्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया और अब इस फ्रेंचाइज का चौथा पार्ट हमें अगले साल 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं दोस्तों फिल्म में एक बार फिर से ऋतिक रोशन, विवेक ओबेरॉय और इनके अलावा दोस्तों फिल्म में हमें इस बार नूरा फतेही, जो कि बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर है, वो भी इस फिल्म में देखने के लिए मिलेंगी। एंड इस बार इसके चौथे पार्ट में हमें इसके बाकी के 3 पार्टों से ज्यादा एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो भाई लोगों इसी के चलते हुए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जल्दी मिलेंगे को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।